हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि समापन से पहले किए जाने वाले एक जरूरी काम के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 8 दिन की है। अष्टमी, नवमी, कन्या पूजन के बाद दशमी तिथि, दशहरे और नवरात्रि व्रत के पारण के साथ ही नवरात्रों का समापन हो जाएगा। शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो माता को प्रसन्न करने और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पर हम ऐसे कुछ विशेष कामों के बारे में बात करेंगे जिन्हें यदि आप नवरात्रि समापन से पहले कर लेते हैं तो आपको पूरे साल भर माता रानी की कृपा प्राप्त होती रहेगी और आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती है। चुनरी का दान। नवरात्रों में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी भक्तजन उनकी आराधना और माँ की भक्ति के 9 दिन व्रत उपवास करते हैं। मान्यता है कि यदि आप इन सभी के साथ नवरात्रि के किसी भी दिन नवरात्रि समापन से पहले किसी मंदिर में माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाते हैं या फिर किसी सुहागन महिला व कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दान करते हैं तो माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। लाल पुष्प अर्पण करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक नियमित माँ की आराधना करने से देवी माँ अपने भक्तों को सुख संपत्ति और आरोग्य का आशीर्वाद देती है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप नवरात्रि पर देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन और विशेषकर दुर्गा विसर्जन के दिन पूजा में माँ को लाल रंग के पुष्प और कमल का पुष्प जरूर चढ़ाएं। माँ की आराधना में लाल रंग के पुष्प और कमल पुष्प का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि समापन से पहले किए इस कार्य से धन की देवी माँ लक्ष्मी जी आपको धन संपदा का आशीर्वाद देती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद चमत्कारिक माना जाता है। नवरात्रि समापन से कम एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस पाठ को करने से पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा याचना की बात कही गई है। ऐसे में यदि इन 9 दिनों में आपसे माँ की पूजा के दौरान कोई भूल चूक हो जाए तो आप दुर्गा सप्तशती पाठ के अंत में क्षमा प्रार्थना के द्वारा देवी माँ से माफी मांग लेते हैं, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कौड़ियाँ अर्पित करें। जिस तरह माँ को लाल चुनरी, लाल पुष्प अति प्रिय है, ठीक वैसे ही कौड़ियाँ भी माँ को प्रिय हैं। नवरात्रि समापन से पहले यदि आप माता को लाल चुनरी या लाल कपड़े के साथ कौड़ियाँ भी अर्पित कर देते हैं तो साल भर माता रानी की कृपा आप पर बरसती रहती है। माँ को अर्पित की गई इन कौड़ियों को पूजा के बाद लाल कपड़े में रखकर अपने धन रखने के स्थान या तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। गाय को भोजन कराएं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय को भोजन कराने से न सिर्फ सुख शांति मिलती है बल्कि बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। नवरात्रों में जिस तरह कन्या पूजन का विशेष महत्व है, वैसे ही गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। यदि आप नवरात्रि समाप्त होने से पहले किसी भी दिन गाय को भोजन कराते हैं तो इससे आपको जीवन में बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है और माता रानी का आशीर्वाद सदा आपके घर परिवार में बना रहता है। कन्या पूजन। देवी दुर्गा आदि शक्ति का रूप है और कन्याओं को भी माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में अष्टमी, नवमी पर घर में कन्या पूजन कर इस दिन का लाभ जरूर प्राप्त करें। नवरात्रों में कन्या पूजन से माता रानी प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा को पूरा करती हैं। भोजन करवाने के बाद उन्हें भेंट आदि जरूर दें और उनका आशीर्वाद लेना न भूलें। जय माता दी।